गाइस गुड मॉर्निंग। अभी आपको दिखा रही थी, यहाँ तितली थी और वो कितनी अच्छी थी। तो ये है ना कि भगवान ने उसके अंदर देखो कितने अच्छे अच्छे रंग भर रखे थे, तो पूरा डिज़ाइनर था ठीक है ना उसके पंख। और वो इधर उधर ही फिर घूम रही है, तो पता नहीं किस हिसाब से आई होगी उसकी फ़ोटो। मैं आप देख सकते हो या नहीं देख सकते क्लिप में। तो चलो नहा धो के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। नहा लिए थे हम, नहाने के बाद शॉर्ट्स अपलोड किए इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ पर भी किए थे। वो बाहर का मौसम हो रहा है सुहाना, अच्छा लग रहा है बरसात के मौसम में। अगर कोई और होता ना तो रील बनाती बरसात के मौसम में, लेकिन कोई है ही नहीं जो फोन को पकड़े, जो कोई हो तो फोन पकड़े तो मैं रील बनाऊँ। और हमारे यहाँ ना पाक्षर आती है देखो ये, तो इस चक्कर में भी यहाँ बैठ के रील नहीं बनती। अगर धीमी धीमी सी बारिश हो ना फिर रील बना लेते हैं, और इतनी तेज बारिश में कैसे रील बनाएं तो नहीं होता। और मुझे एक वीडियो और अपलोड करूँगी, वो वीडियो मेरी अपलोड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है और जिसे सही होना चाहिए, तो इस वजह से मैं वो रील अपलोड करूँगी। लेकिन ये जो है ये ब्लॉग में जाएगी और वो रील शाम तक आएगी, तो वो तो सिर्फ 3-4 मिनट की होगी, तो देखना ज़रूर। और ये तो फुल ब्लॉग बनेगा जैसा भी बनेगा। वो ना बिजली चमक रही है, मैं जाती हूँ दिन में, मेरे को बड़ा डर लगता है बिजली के चमकने से, मैं जा रही हूँ बाय। बारिश और इस घोंसले में ना चिड़िया है, चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अब ये उसको तो लगती होगी बेचारी को बारिश, और बहुत तेज, और हमारा ये जाल भी नहीं ढका हुआ। तो चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके सब्जी सब्जी बनानी है हमने, और सब्जी में क्या बनाएंगे नीचे जाके दिखाएंगे। देख ली कितनी तेज बारिश कर रही है ना, तो ये बारिश होनी चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से बरसेगा तभी धरती की भड़ास खत्म होएगी। अगर ये बरस के रुक गया तो हुम्मस हो जाएगी और ज़्यादा गर्मी होगी, तो उससे परेशान होंगे। तो नीचे चलते हैं, नीचे जाके सब्जी बनाते हैं। नीचे यहाँ ये कमरे में भी पानी आ रहा है, यहाँ फर्श पे पानी आ रहा है सारा, तो ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बारिश सारी बाछड़ जो है ना अंदर आएगी। इसको करते हैं बंद और नीचे चलते हैं, नीचे चल के अपनी सब्जी सब्जी बनाते हैं। बाहर देखें, बाहर 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 एक बार गली में तो देख लें क्या हो रहा है। क्यों पता नहीं बच्चा किसका खड़ा है वहाँ दुकान के आगे, बारिश की वजह से खड़ा है। वो देखो वहाँ सामने दिखाऊं, वो बच्चे देखो कैसे बारिश में खेल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं बारिश का, है ना। किसने कहा है तेरे को? हैं कह रही है क्या इसकी मम्मी? दे आई हूँ मैं तेरी मम्मी को, जा कहते कल देने तो आई थी, भूल गई है क्या? झूठ बोल रहा है, और ये कोई नहीं मांग रही, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना तू, टच क्यों? चल आजा फिर मेरे गेलो, चल चल देखो कौन से 200 रुपये मांग रही है, चल आजा मेरे साथ, चल 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 चल। कहाँ गया? चलो चलो चलो, क्या लेने आया भानु ये मेरे से, क्या लेने आया ये मेरे से, क्या लेने गया? टाइम 6:30-7 बज गए होंगे। सो गाइस अभी हम जाएंगे मंदिर में, महादेव मंदिर में, और आज सावन तो अभी बहुत लंबा पड़ा है, आज तो बस जल चढ़ा रहे हैं, इस टाइम नहीं कोई चढ़ाने देता शिवलिंग पे जल। हाँ त्रयोदशी है तो इस टाइम मंदिर में कहीं भी जल नहीं चढ़ाने देते, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो कोई टाइम होता है तो शायद अब तो नहीं जल चढ़ेगा, क्योंकि देखेंगे वहाँ जाकर, क्योंकि इस टाइम आरती का समय हो जाता है, आरती हो रही होगी वहाँ, मंगल गान हो रहा होगा और तो कुछ नहीं। तो चलो चलते हैं मंदिर में ही जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ, ठीक है ना।
सो गाइस अभी तो यहाँ जलाभिषेक चल रहा है। मैं ये कह रही थी ना कि शाम हो जाएगी तो यहाँ जलाभिषेक नहीं होता, तो आज तो मुझे लगता है पूरा दिन यहाँ जलाभिषेक ही चलेगा, क्योंकि कांवड़िए अभी आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद नहीं होगा, लेकिन चलो चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर जाके पता चलेगा। चल आ जाने, और यहाँ भीड़ भी काफ़ी है आज तो। चलो चलो मंदिर में इसे बजाओ बजाओ बजाओ। चलो आ जा। चलो 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 गाइस, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो हो जाएगी लंबी, और कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और हर हर महादेव ज़रूर कहें।